अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम लोग भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों की दुआओं की वजह से। और सुहेल भाई, आप बताएं कैसे हैं? आज भी आप बड़े दिन बाद मुलाकात कर रहे हैं। सही, क्या कर रहे हैं? आपका और मेरा काम एक ही है और आप खुद इतने मसरूफ रहते हो, फिर बीच में आप बीमार, मैं बीमार जी, मौसम कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती हमारे, तो सिलसिले को लेके आगे चलना था मुझे, बिल्कुल आपसे मिलना भी था। अच्छा, आपने बीच में मुझे फ़ोन किया था एक रात में, अचानक सर अभी बात करनी है फौरन, अभी वो मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ गया ना, अभी बात करनी है। असल में हमारी बहन है जिन्होंने अपनी स्टोरी, वो जब उनको पता चला कि ये इस सिलसिले का प्रोग्राम है, नसीहत आमोज है, तो उन्होंने शायद शो देखा और फौरन से रब्ता किया मुझसे। अच्छा, तो मुझे सारी डिटेल बताई उन्होंने, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, 16-17 साल हो गए इस केस को, तो यानी पुराना केस है। तो वो पता नहीं उनके दिल में क्या आया, बोला मैं ये बात आपको बताकर ये लोगों को नसीहत करना चाह रही हूँ कि शायद मेरे साथ जो कुछ हुआ, तो खुदा रहा अगर कोई इस मामलात में है तो वो रुक जाए। अच्छा, तो जितना जल्दी हो सकता है आप उसे फौरन ऐड करने में वेट कर रही हूँ, वो ये समझी कि शायद बच्चों का खेल है और फौरन हो जाएगा, वो करते हैं। मैं आपको बता दूंगा, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की, मैंने कहा लाइव आके अगर उनकी स्टोरी बताते हैं तो खुश हो जाएगी। तो आपका बहरहाल हमारी 2 दिन के बाद मुलाकात हुई थी, बिल्कुल। तो वो कहानी ही कुछ अजीब है असल भाई, उनके साथ ऐसा सिलसिला था। आप ज़्यादा देर तो मैं आपको ये नहीं, प्लीज़ आप बताएं, क्योंकि उस दिन जिस दिन आपका फ़ोन आया था उस दिन मैं हो गया था, मैंने कभी सुहेल भाई ने ऐसा नहीं किया कि अभी करनी है। तो असल में कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे जॉइंट फैमिली थी, वो सब बहन भाई सब साथ थे, तो हमारी बहन के जो ये शौहर है, घर में सबसे ज़्यादा यही कमाते थे, बाकी दो जो के देवर थे वो लाओ वाली कुछ कमा लिया, ठीक है, थे घर पे दे दिया। अच्छा, पार्ट टाइम वाले थे, तो उनकी भी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, तो इनमें बड़ी जेलिसी थी ना कि मेरे शौहर कमाते हैं और उड़ाते तो पूरे घर वाले, कुछ ऐसा हो जाए कि सारी कमाई मेरे पास आए और मैं घर वालों को और उनको बताऊं कि घर के जो है ना हम हैं सबसे बड़े, तो कुछ सिलसिला उन्होंने ऐसे ही चलाया, कंट्रोल रखना चाह रहे थे, क्योंकि अम्मी का घर दूर नहीं था, करीब ही था, तो तकरीबन हर हफ्ते में 5 दिन में उनका जाना आना रहता, तो वहाँ इनकी बचपन की सहेली थी, तो वो अक्सर जाके दिल की बातें होती ना खवातीन आपस में करती हैं, तो वो जाके जिक्र किया करती थी कि देखा मेरे शौहर ये लेकर आए, कभी अकेले से कुछ नहीं लाए मेरे लिए, क्योंकि वो घर से गुजर के मेरे रूम तक आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी सेम आती हैं सबके लिए, सही, कि आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, तो वो मतलब अकेले कुछ मेरे लिए इंडिपेंडेंट कोई चीज़ नहीं आई है, तो मतलब मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए तो मैं किसी तरीके से अपने शौहर को लेके अलग हो जाऊँ। अच्छा, तो बहुत कोशिश की, तो खातून तो आपको पता है ना, उन्होंने फिर वो पिक्टेरिया छोड़ दिया ना, कि मेरे पास तो एक हल है, एक वो फला फला बाबा है, तो बोला कहाँ बैठते, बोला बैठते नहीं है, वो उनका नंबर है उनसे। अच्छा, मतलब उन्होंने भी किसी और, मतलब वो जो सहेली जिससे वो मिली, तो उन्होंने बताया कि नंबर है मेरे पास बाबा का और ये इस तरीके से, ठीक है उनको बुलवा लेते हैं, उनसे तस्करा करते हैं और कोई अच्छी राह निकला जी, तो बोला ठीक है बुलवा लें। एक दिन मौका पा के छुट्टी दिन, तो उन्होंने फ़ोन करके बाबा को मसला ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये केसेस तो मैंने बहुत किए हैं। अच्छा, वो खातून हाँ में हाँ मिला रही थी, ना जाने कौन सा केस उनका अच्छा हो गया था, तो वो बाबा को बड़ा हाईलाइट करके पेश कर रही थी, उन्होंने ये भी कर दिया, इनका ईमान जो था वो और डगमगा रहा था, और खुशी जो थी अंदर के, बस अब तो मैं तो बेड़ा पार हो गया मेरा, मेरे तो सारे काम हो गए। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे शौहर जो है टोटल मेरे कंट्रोल में आ जाए और बस मेरे ही मेरे हों और किसी के ना हो, बंटवारा ना हो उसके अंदर किसी भी चीज़ में। अगर ठीक है मैं अमल शुरू करता हूँ, तो कुछ अरसे के बाद या मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के बाद वो अपनी सहेली से फ़ोन पे बात करी, तो वो बाबा ने कुछ बताया नहीं, तो बोला वो कुछ अखराजात बता के गए हैं, ये सामान लेना है उनको, तो यार इतने पैसे, बोला कितने पैसे बता दिए, तो बोला कुछ 35,000 के करीब, क्योंकि बड़ा महंगा सामान आएगा और ये तो लगेगा ही लगेगा, या आप ला के दे दें या मैं मंगवा दूँ। बोला मैं कहाँ से जाऊँगी घर से, बहरहाल वो कुछ सोने का आइटम उनके पास था, वो जाके उन्होंने कहीं
सेल आउट किया, पैसे आए, बाबा को पहुँचा दिए। बाबा ने दो दिन तीन दिन का वक्त दिया। दो दिन के बाद बाबा ने कुछ चीज़ उनके हाथ में दी, ताबीज़ दिया। मतलब कहीं भी कोई भी दरख्त हरा भरा नज़र आया आपको, हरा भरा दरख्त नज़र आया आप। अच्छा। उस पर कोई वो नहीं था कि बेरी का हो। अच्छा, कोई भी दरख्त हो सकता है लेकिन हरा भरा ये शर्त थी। तो उसकी जड़ के पास जाकर किसी तरीके से भी उसको वहाँ दबा देना। दरख्त तो हरे भरे हर जगह ही होते हैं यार। तो वो जहाँ रहते थे वही छोटा सा पार्क बना हुआ था उसका दरख्त। बोला टाइम, तो उन्होंने टाइम बताया, बोला जैसे ही मगरिब की अजान हो जाए आपने घर से निकल जाना और ये अमल कर देना। पर खातून निकली, वो इस जगह पे उन्होंने जाके वो ताबीज़ रख दिया। घर पे आई, नॉर्मल लाइफ, खाना खाया, बच्चों को खिलाया, शोर आ गए, उनके साथ बैठे, बातचीत की, गपशप। तो 12:30 बजे उनकी शोर की आदत, तो सुबह जल्दी उठते थे वो। तो वो सब बच्चे भी स्कूल के लिए सब सो गए, टीवी भी देखा, घबराहट शुरू हो गई खातून को। तो बोला शायद गर्मी बहुत है इस वजह से, ये भी चली गई सोने के लिए, सो जाती हूँ। मैं जाके सो गई। रात की कोई 3:30 बजे के करीब इनको ऐसा लगा कि कोई ने बहुत मार रहा है। और ये इतना ज़ोर से चीख रही है कि पूरा घर, तो भाई भी उठकर आ गए, और जो उनकी वाइफ थी, इनके वालदैन सब उठ के आ गए, शोहर बच्चे सब, मतलब पूरा घर जमा हो गया। और उन्होंने बोला क्या हो गया बेटा, क्या खैरियत है? कोई मुझे वो मार रहे हैं। मोरू कौन मार रहा है वो? उस वक्त तो कोई नज़र नहीं आया, गायब हो गया सब कुछ। बोला मुझे मार रहे थे पोछे भी। तो बोला कहाँ मारा? बोला हाथ पे, कमर पे। जब वो आस्तीन उन्होंने उठाई तो वो बाकायदा निशाना थे। अच्छा, मुझे नील पड़े हुए नील है, हाँ, और गर्दन पे निशानात थे। तो घर वाले परेशान हो गए, बोले यार या तो कहीं गिर गई है जीने से या फिर कोई और मामला हुआ है। वहम है इसका। सोते से उठ के हुआ ना? हाँ, सोते सोते में हुआ। बाजार वो देख नहीं रही थी किसी को। तो वक्त फजर का हुआ, ठंडा हो, सब सो गए, ये दोबारा सो गए। नॉर्मल सेकेंड डे यही मामला दोबारा हुआ सेम टाइम पे। अच्छा, पहले ये देख रही है, जब इनसे ये भी बात हुई लास्ट टाइम, तो ये बता दिए कि मुझे जब फर्स्ट टाइम मार रहे थे ना ख्वाब में, तो वो मेरे शौहर के रूप में थे। अच्छा, उन्होंने तो देखा भी? हाँ, कि मेरे शौहर मुझे, वो बैतनुमा डंडी थी उनके हाथ में, उससे मुझे मुसलसल मारे जा रहे थे और गुस्से में थे, बोल कुछ नहीं रहे थे वो। फिर उसके बाद जो है वो सेकेंड डे जब इनको कोई मार रहे हैं, तो एक वाइट पोशाक में, जैसे वो जब्बा कहते हैं ना, जब्बा पहना हुआ है, अरबी जैसे पहनते हैं, फेस उनका नजर नहीं आ रहा। उस जगह पे हल्की सी रोशनी है सिर्फ वाइट। अच्छा, फेस की जगह पे रोशनी नजर आ रही है, और बाकायदा पूरा एक जब्बा से पहना, ऊंचे से गत्ता है, और वो उन्हें मार रहे हो। फिर वो चीखो पुकार, वही रात उनकी खराब हो गई। घर वाले आ गए, बोले भाई ये तो अब कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, बोला आज का दिन रुक जाते हैं, मैं पता करता हूँ। सब भाई और वालदेन, खुद इनके शौहर, वो पता लोगों से पूछने लगे थे, यार कोई ऐसा मामला हो गया, कोई है कोई आगे पूछो, कोई बाबा पता नहीं शायद झपट में आ गई हैं, ये जहर असर आ गई हैं किसी के, सॉरी। तो बोले हम जाके चेक कराते हैं। तो किसी ने इनको एक नेवल कॉलोनी की तरफ, कोई बाबा है वहाँ का, बताया। तो ये वहाँ पर अपनी वाइफ थर्ड डे ले गए वहाँ पर। उन्होंने बताया कि इनकी छोटी उंगली पकड़ी और फिर इन्हें होश नहीं है, वो गिर गए। और जब बाबा के पास जब होश में आई, उठाया, इन्हें पानी पिलाया, तो बोला मुसलसल में पानी पीती रही वहाँ पे उनके दरबार में बैठ के, और मुझे भर भर के पानी ही पिलाया जा रहा था, पिए। बोला घर तक आते भी मेरी कैफियत यही थी, मुझे ठंडे पसीने और प्यास बहुत लग रही थी पानी। उसके बाद मुझे कभी भी कुछ ऐसा नहीं, और मैं अपने शौहर से पूछती रह गई कि आखिर बाबा ने ऐसा क्या किया, मुझे बताएं। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब ठीक है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, ऐसे चले और एहतियात करें, कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो। बोला अब जब बहुत जिद की मैंने, तो मेरे शौहर ने अब 10 साल के बाद मुझे ये बताया कि तुमने वहाँ क्या हरकत की थी।
10 साल के बाद उसको। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है उस वक्त एक टाइम पीरियड ऐसा था, एक वो शौक में होंगी तो बोले शायद इसके जहन में बैठ ना जाए ये बात, बैठ ना जाए घर वालों के सामने शर्मिंदा, क्योंकि उस वक्त उनके जब लेकर गए थे तो उनके वालदेन भी साथ थे और उनके भाई भी साथ थे, तो जब बाबा ने उनको कहा कि आप चले जाएं, आप मैरम में आप यहाँ बैठे, और जब इनका इलाज किया तो बताया कि जब आप बेहोश हुई हैं तो आपने सारी बातें बताई हैं कि कहाँ गई थी, हो तो किसके पास गई थी और असल मकसद क्या था, और जिन्होंने ये अमल किया उनको भी हाजिर करवाया आपकी बॉडी के अंदर, और उन्होंने माफ़ी मांगी और बोला हल पूछा, तो हल उन्होंने ये बताया कि वो चीज़ वहाँ से निकाल दी जाए और वहीं पे खड़े होकर माफ़ी मांगी जाए, बाकी हम बोला देख लेंगे, हमने आपकी बॉडी से निकाल दिया है, अब आप जहन से निकाल दीजिए। इनके शौहर को कहा कि अगर आप फ़ौरन से बेशतर अगर ये सारी बात आज रात को बता देंगे तो शायद ये सारी ज़िंदगी आपसे नज़र ना मिलाए और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने में से आपके घर में बड़ी तकलीफ होगी। तो वो फिर ऐसा हुआ कि 10 साल के बाद जब इसके शौहर से बहुत ज़्यादा ज़िद की, उन्होंने एक सवाल जो है जहन में था, हाँ घूमता रहता है ना एक सवाल के यार, तो पता चला कि इनसे ये गलती हो गई थी और बहुत माफ़ी मांगी उन्होंने अपने शौहर को, और आज बहुत बहुत ज़्यादा अपने शौहर से मतलब मोहब्बत करने लग गई है, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लग गई, जो उन्होंने मेरी इज्जत संभाली अपने घर में, वरना शायद आज मेरे सास ससुर देवर किसी की भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहती। तो वो उन्होंने तो बस इतनी सी बात बताई और बाबा से सवाल करना भी मुनासिब नहीं था, तो ताबीज़ में ऐसा क्या था और उस दरख्त में ऐसा क्या था, सवाल तो ये आता है ऐसा, या तो ताबीज़ बहुत गलादत से लिखा गया था ठीक है, और बुरे अमल अमल किया गया था उस पर बुरी चीज़ें। अगर देखा जाए सुल भाई के जो अमल जो मैं समझा अभी तक जो बात, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा एंड में जाके ना, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपने कहा था कि उन्होंने कांटेक्ट किया और मुझे बताया, मतलब आपको बताया उन्होंने कि एक नसीहत करना चाहती हूँ, तो वो क्या उन्होंने कहा? वो यही, क्योंकि मतलब जब उस टाइप के बाबा ने बताया था कि ऐसे केसेस तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, तो मुझ समेत मेरी कई बहनें ऐसी होंगी जो उनके पास जाती होंगी इस किस्म का, तो कहीं तो कुछ कमल अमल ऐसा होगा जो काम कर गया होगा, लेकिन कहीं कहीं मुझ जैसे केसेस भी होंगे, तो जो देखना चाह रहे हैं जो सुनना चाह रहे हैं जो इस स्टोरी को आगे पहुंचाएंगे एक दूसरे तक, तो शायद उनमें कुछ ऐसी बहनें हो जो इस काम में जा रही हूँ वो शायद रुक जाए। तो वो वीडियो मैसेज उनका जो आप दिखा सकते हैं मुझे? हाँ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए वो फौरन मतलब मतलब उनके अंदर पता नहीं क्या था, परसों रात को जब आपसे फोन पे बात हुई सोल भाई किसी तरीके से भी लाइव आ गए, आप फौरन बता दें इनको, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि फौरन तो बेहतर लोगों तक पे पहुंचा दें, तो क्योंकि अभी तक उन्होंने ये बात किसी से की नहीं है। एक छोटा सा क्लिप मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप, मैं आपकी स्टोरी तो सुना दूंगा लोगों तक पहुंचा दूंगा और गलती भी बता दूंगा आपकी आपसे क्या हो गई, लेकिन एक छोटा सा क्लिप बना के भेजें ताकि लोगों को आपकी ज़बानी पता चले और आप अल्लाह को उनसे माफ़ी मांगें। देखें वो उनको ये असल में आपकी बात काट रहा हूँ, उस खातून को ये नहीं पता था कि ये जो अमल करने मेरे पास आ रहा है ये क्या अच्छा अमल करता है, अच्छी चीज़ों से अमल करता है या बुरी चीज़ों से करता है। वो सोने की चीज़ भी चली गई, 35,000 जो इसके थे पैसे भी चले गए और मतलब जो कीमती चीज़ें थी वो सब गई, और मैं मतलब उनके लिए ये दुआ हूँ कि अल्लाह पाक मजीद उन्हें खुशहाल करें, सारे केसेस ख़त्म हो जाए उनके ऊपर से। लेकिन चलें ये अच्छी बात है माशाल्लाह कि वो खुशहाल हैं और बिल्कुल आराम से रह रही हैं, और उन्होंने इस चीज़ को शेयर भी किया हमसे कि आप ये नसीहत जो है वो मेरी दूसरों तक पहुंचाएं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि शोर नहीं, वो एक जाहिर सी बात है वो एक कहते हैं ना अक्लमंद इंसान होंगे जिन्होंने जो है कहा होगा कि यार इज्जत भी बचानी है और कुछ जाहिर भी नहीं होने देना और ये काम भी सेटल करना है सीधा करना है। आजकल के दौर में अगर हमें पता चल जाए कि हमारी वाइफ से गलती हो गई, और क्योंकि फिर अगर अल्लाह ना करे इसके अलावा कोई होता तो हमें नहीं, आपको मेरी तो भी शादी नहीं होगी इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो होगी ना, कभी ना कभी तो होगी इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ भी हुआ है इनके साथ कोई कुछ चेहरों से तो पता नहीं चलता, आप मैं आपके पास आया आप क्या अच्छा करते हैं बुरा करते हैं,
तो मैंने ये देखा कि जो आने नजर आते वो उनके चेहरों से पता नहीं चलता, वो देखते हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है और वो उस पर अमल कर देते हैं। अब देखें इसमें वही बात आती है ना कि देखें दिल का हाल अल्लाह जानता है, सही है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो भी अपने लिए कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो भी आप अपने लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे ना, अगर आपने या मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा ना, आप नहीं जानते कि आपके सामने वो किस शक्ल में आ जाए। बिल्कुल, ये मुकफ़ात अमल जो होता है ना, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जिससे डरना चाहिए। और अल्लाह का करना देखे कि अल्लाह ने फौरन से बेशतर अच्छे हाथों में पहुंचा, अच्छे हाथों में पहुंचा दिया। अगर ये मजीद घूमते रहते तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता। हाँ नहीं, ये वाकई एक है। और रही बात उस जगह की जहाँ पे वो उन्होंने क्या चीज़ दफनाई थी, तावीज़नुमा वो चीज़ थी उनके वहाँ, तावीज़नुमा एक हरे भरे दरख्त के नीचे जाके उन्होंने दफना दी थी। कि क्या मतलब कौन सी किस तरह की जगह थी वो, मतलब कोई गंदी जगह थी या कोई पब्लिक प्लेस है, कोई क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि अमल गंदा था, वो जो दरख्त था जैसे कि हमारे अक्सर रहा भी है, दरख्त कोई पाक हस्ती। हाँ नहीं ऐसा होता है, लेकिन मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि उन्होंने क्या अपने मतलब घर के अहाते में या किसी पार्क में या कहाँ पे किस घर तरीके से पहले उन्होंने कहा है कि पार्क आता है। अच्छा, पे हम अक्सर अच्छा बच्चों के साथ पार्क आता है तो ऑब्वियसली वो एक साफ सुथरी जगह होगी, साफ सुथरी जगह थी तो वो वहाँ पे जाके, और मुझे ऐसा लगता है कि अमल कुछ बेहतर नहीं था। हाँ वो तो आप देखें ना, एक सीधी सी बात है, किसी को कंट्रोल करना तो वो एक चीज़ वो नेगेटिव नहीं जाएगी ना, नेगेटिविटी में ही जाएगी ना। वो दरख्त पे यकीनन जो फैमिली आबाद होगी वो नेक होगी, इबादत गुजार होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे अगर आप गंदगी छोड़कर आ जाएं और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या और किस चीज़ से लिखा गया है वो चीज़ है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि नीयत जो होती है ना, देखें ये किसी को कंट्रोल करना, अगर मैं चाहूँ कि जी मैं सोहेल भाई आपको कंट्रोल कर लूँ, आप मेरे कहने पे चलें, तो हो सकता है मैं भी कुछ इस तरह का जो है अपना करूँ, अगर मुझे अकल नहीं है। ऐसा हुआ है, अच्छे बुरों की अकल अगर नहीं है तो हुआ है ऐसा। तो लोगों से जो पिछली स्टोरी से काफ़ी मिलती जुलती है ये, तो लेकिन इस टाइप का होता होगा तो लोग, हाँ जाहिर सी बात है, तभी लोग जाहिर सी बात है वो शेयर कर रहे हैं कि आप इस तरह के मसले मसाइल। अब रही बात उस जगह की जहाँ पर वो चीज़ जो है वो दफन की गई, वो तावीज़ या जो भी कुछ था, तो वहाँ पे यकीनन कोई एक अच्छी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो जो है होंगे वो जगह नहीं बताई उन्होंने, जगह बताई तो है लेकिन वो अच्छा वो डिस्कस नहीं करना, मना किया डिस्क्लोज नहीं करना। उनकी पहली ख्वाहिश ये थी कि सुल भाई आप लोगों ने जो काम शुरू किया है हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारी तरफ आए, हमारी की तरफ आए। अच्छा अच्छा, और मैं आपको पूरी बात बैठ के समझाती, मुझे शोर भी बड़े खुश होते, वो भी आप बड़े शौक से सुनते हैं देखते हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इसी टाइप की कई फैमिलीज आ रही हैं जो यहीं कराची के हैं। हाँ कराची के, कराची के। और इसी तरीके कई लोग और आ रहे हैं असद भाई जो ये चाह रहे हैं, नहीं नहीं आप हमारी स्टोरी आप हमारे घर पर आकर सुने। नहीं वाकई ये इस तरह के काफ़ी लोग जो हैं वो आगे मज़ीद भी हमसे कांटेक्ट करेंगे, और हम ज़रूर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों के पास आएँ।